दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और दीपावली की जमकर खरीदारी हो रही है। उजाले का त्यौहार है, दीपोत्सव का त्यौहार है और दीप यहाँ पर सज गए हैं। हम कुमार गली में इस समय खड़े हैं देवास की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपावली की पूरी तैयारियाँ हैं आपके लिए, और देसी दिए भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कहा जा रहा है कि इनमें हमारी संस्कृति की खुशबू है, ये हमारी मिट्टी है और देसी दिए से ही उजाला किया जाना चाहिए। इस तरह का प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक लोगों में भ्रम है कि ये जो सांचे वाले दिए हैं उनको चाइनीज़ दिया बताकर बेचा जा रहा है कि ये चाइनीज़ दिया, ये दिया महंगा ज़रूर है, 5 रुपये के 2 आते हैं, लेकिन ये भी भारत में ही बनते हैं और भारत की मिट्टी के ही ये दिए बने हुए हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि देसी दिया इस्तेमाल करना है या सांचे वाले दिए इस्तेमाल करना है। और हमारे साथ में इन दियों को बनाने वाला ऑनर खड़े हैं यहाँ पर, जो बरसों से ट्रेडिशनली इसी तरीके से इन दियों को खुद बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं। अच्छा बताइए, इस बार कैसा बिजनेस है आपका? रुपए में चारण भी नहीं। कारण क्या है इसका? कारण ये है, बाहर का माल आ जाता है। बाहर का मतलब कहाँ का? ये अपने आसपास के गांव का जी। तो ये 1 रुपए राज, ये 15 रुपए का 25 बेच जाते हैं। और आप क्या भाव बेचते हैं? 20 के 25। आप 20 के 25 बेचते हैं और 15 के 25। हाँ। तो आपको महंगा क्यों पड़ रहा है, मतलब यहाँ आपको क्यों महंगा पड़ता है? पीली मिट्टी महंगी पड़ती, पीली मिट्टी वहाँ से लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है कि इतना धंधा कम हो जाए? इतना धंधा कम क्यों हो गया कि आप कह रहे हैं रुपए में चारा ने? तो बाहर का माल बहुत आ जाता नहीं, इंदौर उज्जैन सब दूर का माल आ जाता जी। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। कितने साल से आप बना रहे हो? जिंदगी से बना रहे हो? जिंदगी भर हो गई, पूरी जिंदगी हो गई उनके यहाँ पर ये कुम्हारी काम करते करते। और अब इनका कहना है कि धंधा इसलिए कम हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, बड़े शहरों से यहाँ पर माल डंप किया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में माल आता है, जिसके कारण अब इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस तरह के ट्रेडिशनल जो बिज़नेस हैं, छोटे धंधे हैं, इनको बचाने के लिए आप इन दियों की इन परचेसिंग ज़रूर कीजिए, ऑनलाइन खरीदारी और बाहर के माल से बचें, और इस तरह के जो देसी हमारे जो काम धंधे हैं इनको बचाने के लिए दिवाली इन्हीं दियों से मनाएं। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मिट्टी की बॉटल है, सजावट के सामान है, लालटेन है, जग है, सभी वो आधुनिक सामान यहाँ पर मिल जाते हैं जो आपको ऑनलाइन परचेस करने में मिलते हैं और बड़ी ही महंगी दर पर आपको ऑनलाइन में मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कुम्हार गली में आएंगे तो आपको यही सब चीज़ें रिजनेबल कीमत में मिलेंगी, आपका त्यौहार भी अच्छा होगा। हम भैया से पूछते हैं, वो महंगी दुकानें नहीं है अपने पास, साफ सफाई का, हाँ बस बस उसी कारण ही, और वही मिट्टी की चीज़ वहाँ आप 100 रुपए की चीज़। साल दर साल आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये बताइए। कम हो रहा है, कम हो रहा, कम होता जा रहा है। कम हो रहा। तो देखिए, ट्रेडिशनल जो व्यापार हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के व्यापार हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग चकाचौंध की ओर जा रहे हैं और चकाचौंध के कारण बाहर ऑनलाइन मार्केट में वो लोग खरीदी कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान यहाँ के जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। भाई साहब बताइए, आप कहाँ से? यहीं से आए? हाँ। क्या आप लेने के लिए आए हुए? जी। आप ऑनलाइन नहीं खरीदते, नहीं करते मिट्टी? नहीं नहीं करता हूँ मैं। कारण? कोई मतलब ही नहीं सर लेने से अपनों, ये अपने इंडिया की इनको लेना चाहिए ऑनलाइन में, केवल दिखावा है आजकल, दिखावा है। हाँ। क्या नाम है? हीरालाल पाटीदार। तो या सब दिखावा है, इसलिए हमारे जो देसी व्यापार हैं इनको प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन बाजार की खरीदारी की जगह जो उनसे बचने की आवश्यकता है। और 5 दिनों के जो दीप उत्सव है उसमें यहाँ पर उस वक्त भीड़ बढ़ेगी। माता जी, कैसा व्यापार चल रहा है ये बताइए? कोई व्यापारी सही नहीं, आसपास के कुमार गली में कोई आता नहीं है, नहीं तो पहले कुमार गली में सभी आते थे। अच्छा। पर अब बाहर के ज़्यादा आ रहे हैं। लोग जा रहे हैं बाहर? हाँ, बाहर जा रहे हैं ना। और यहाँ रेट अच्छा लेते थे, पर अब रेट कम हो गया, रेट बहुत कम हो गया। तो आप ये बताओ फिर आगे भविष्य में आप लोग क्या करोगे अगर इस तरह से इसका धंधा हमारा बंद हो गया? धंधा ही बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? रोजगार खत्म हो जाएगा ना। आपने तो पूरे जीवन भर यही काम किया? यही काम किया, और कुछ काम ही नहीं किया दूसरा। क्या क्या बेचती हैं माता जी आप? सब बेचते हैं, छोटे शादी ब्याह। अच्छा चलिए, अभी तो ये दीपावली का समय है, मान लीजिए यहाँ पर बाहर आ जाती है, लेकिन साल भर क्या कितना सामान बिकता है, क्या क्या बिकता है? साल भर में मटके मटकी सब बिकते हैं, शादी ब्याह का सब होते हैं जी। हाँ। तो उसमें कोई असर नहीं है? उसमें दीपावली में असर है? नहीं, उसमें भी कम हो गया ना, उसमें भी कम हो गया। हाँ। तो ये जो ऑनलाइन बाजार है जिसमें लोग इंटरनेट से खरीदी कर लेते हैं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है? ऐसा फर्क पड़ेगा ना, आसपास के सब दूर तो खरीदते, उधर खरीदते, उधर नहीं मिलते जब कुमार गली में आते हैं। अच्छा, तो देखिए जो ऑनलाइन खरीदार हैं वो ऑनलाइन जब खरीदी करते हैं और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो उसके बाद हमारे यहाँ देसी व्यापारी के पास आते हैं। हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, एक बार आने की आवश्यकता। अब ये देखिए, ये देसी तवे हैं जो कि मिट्टी से बने हैं, इसमें
इसमें जब रोटी बनती है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर इसी तरह ऑनलाइन मार्केट गुलजार रहा और बढ़ता रहा तो हमारे देसी जो जिंदगी भर जिनका जीवन इसी में, इसी मिट्टी के बीच में गुजर गया है, उनका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।